Hello, namaste and welcome back to my channel, Miss Bomb. Today I am going to explore a Sarojinagar market winter collection. You will find the trendy coats, blazers, jeans, sweaters, one-piece dress and so on. We all know that Sarojinagar market is the best budget-friendly market in the city of all of your shopping needs. मेट्रो स्टेशन के बाहर निकलती हमें यहाँ पे नीचे स्टॉल दिखा जो यहाँ पे कोट और ब्लेजर्स का स्टॉल था और ये सिर्फ 100 रुपीज़ के दे रहे थे। नी लेंथ में था और लॉन्ग लेंथ में था। आगे चलते हमें पल्स एक्सेसरीज मिली जो सिर्फ और सिर्फ 50 रुपीज़ की थी और ये 60 रुपीज़ के थे। और लेगिंग्स यहाँ पे 100 रुपीज़ के थे, वुलन के भी और डबल लेयर भी, वो भी सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज़ के थे। आगे चलते ही हमने सामने वाले गेट से एंट्री ली। आप मेट्रो स्टेशन से जस्ट सामने देखोगे, यहाँ से हमने एंट्री ली। अंदर मार्केट में एंट्री करते ही आपको बहुत सारे विंटर कलेक्शंस देखने को मिलेंगे, कोट, जैकेट्स, ओवरकोट, स्वेटर्स, और साइड में आपको ये कैप का स्टॉल दिखेगा जो 150 रुपीज़ कोट कर रहे थे। हैंड ग्लव्स भी दिखेंगे और वेराइटी ऑफ कैप दिखेंगे जो 150-200 के भैया कोट कर रहे थे। आगे चलते ही आपको यहाँ पे वुलन के वन पीस क्रॉप टॉप दिखेंगे जो वन पीस की प्राइस भैया कोट कर रहे थे 200 रुपीज़ और क्रॉप टॉप की 150 रुपीज़। भैया आपको थोड़ा हाई रेंज बताएंगे बट आपको बार्गेन करना है तो 200 रुपीज़ में आराम से दे देंगे। यहाँ पे आपको बहुत सारे कुर्ती के कलेक्शंस देखने को मिल जाएंगे डिफरेंट डिफरेंट प्रिंट में, मिरर वर्क में, चिकनकारी में, कॉटन फैब्रिक में। इनकी प्राइस रेंज की बात करूँ तो 350 रुपीज़ था और हर साइज़ में आपको अवेलेबल मिल जाएंगे यहाँ पर। और अंदर साइड आपके जस्ट यहाँ पे वुलन के भी यहाँ पे कुर्तियाँ मिलेंगी 350 रुपीज़ में। और इस शॉप में बहुत ही वैरायटी के सूट्स वगैरह थे। आगे चलते ही हमें यहाँ पे 100 रुपीज़ की थड़ी मिली जहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे से छांट छांट के और रीचेक करके लेना पड़ेगा। डायरेक्ट ले मत लेना, अच्छे से हर जगह से चेक करके लेना। आगे चल इस शॉप की तो शॉप नंबर मुझे याद नहीं है बट मैं आपको लोकेशन बताती हूँ। आप जैसे एंट्री करेंगे मार्केट में आपको स्ट्रेट जाना है, अपने राइट हैंड साइड में 5th या 6th नंबर वाली ये शॉप है। और यहाँ पे आपको कोट, ब्लेजर्स, कार्डिगन, स्वेटर्स, ओवरकोट बहुत ही अच्छे प्राइस में मिल जाएंगे। आपको थोड़ा बहुत बार्गेन करना पड़ेगा बट यहाँ के जो क्वालिटी थी कपड़ों की वो बहुत अच्छी थी। और यहाँ के जितने भी कार्डिगन्स और स्वेटर्स थे वुलन के, वो बहुत सॉफ्ट वुलन में थे। कोट की प्राइस भी ये बोल रहे थे 450 रुपीज़ और यहाँ पैंट की जो प्राइस थी वो 250 रुपीज़ की थी। और ये जो स्वेटर भैया दिखा रहे हैं ये 300 भैया कोट कर रहे थे। बहुत ही रीजनेबल प्राइस में मिल जाते हैं सरोजी नगर में विंटर कलेक्शन। ये उसके नेक्स्ट वाली शॉप है, यहाँ पर आपको ओवर कोट दिख जाएंगे। ये पता नहीं इसे क्या किस नाम पता, आई डोंट नो इसे क्या बोलते हैं, बट हाँ एकदम टैडी जैसे सॉफ्ट सॉफ्ट से लग रहे थे। भैया इसको कोट कर रहे थे 1000 रुपीज़। बहुत साइज़ में थे, आपको मतलब एम साइज़ से लेकर एक्सल साइज़ में मिल जाएंगे। यहाँ पे बहुत डिफरेंट डिफरेंट कलर के थे पर बहुत ही ट्रेंडी थे। और यहाँ पर क्रॉप टॉप भी थे उसी के जैसे सेम, यहाँ पर क्रॉप टॉप में भी था। ये भैया कोट कर रहे थे 500 रुपीज़। और आगे चलते ही हमें यहाँ पे स्टॉल्स देखने को मिले, डिफरेंट डिफरेंट प्रिंट में थी। शायद ये 60 रुपीज़ की मतलब नीचे लेके बैठी हुई थी आंटी, 60 रुपीज़ बोल रहे थे इनको। अब मैं यही बोलूँगी कि आप सरोजी नगर मार्केट से वॉच ना ही लें क्योंकि पता नहीं इनकी कोई गारंटी नहीं रहती और कभी भी ख़राब हो जाते हैं। और कोई पिछले वीडियो मुझे कमेंट किया था कि मैम किड्स कलेक्शन दिखाओ, तो हाँ आप मैं इसका लोकेशन बताती हूँ शॉप का। आप स्ट्रेट जाके लेफ़्ट हैंड साइड में आप देखोगे यहाँ पे किड्स के कलेक्शन भरपूर, आपको इस शॉप में पूरे किड्स के कलेक्शन ही नहीं दिखेगी। 0 मंथ्स मतलब 1 मंथ से लेकर के आपको 5 ईयर तक के यहाँ पे किड्स के कलेक्शन देखने को मिल जाएंगे। सारे सेट्स मिलते हैं यहाँ पे 200-250 से स्टार्ट हो जाती है, अप टू 550 तक। यहाँ पे क्रॉकरी के सामान आपको मिल जाएंगे घर के लिए।
ये वाली स्टॉल में आपको स्कर्ट और स्वेटर लगे हुए मिलेंगे, बट मुझे ऐसे लग रहे थे कोई यूज्ड किया हुआ है, एकदम रुए रुए पूरे स्वेटर और स्कर्ट्स में दिख रहे थे। आगे चलते ही मुझे यहाँ पे 200 रुपीज़ का स्टॉल दिखा, बहुत ही अच्छे इसके कलेक्शन थे। यहाँ पे स्वेटर्स इतने प्यारे प्यारे प्रिंट और इतने प्यारे प्यारे कलर में थे, और इनके वुलन भी इतने सॉफ्ट थे, बट यहाँ पे आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी और इतना धक्का धक्का दे के आपको एक एक करके अच्छे से रीचेक करके लीजिए। यहाँ पे आप जल्दबाजी मत करिए, यहाँ पे जो आप स्टॉल से लेते हैं अच्छे से रीचेक करके लीजिए। आगे चलती है आपको यहाँ बेडशीट्स पिलो के भी शॉप मिल जाएंगी। इस शॉप के सामने आपको यहाँ पे बूट के कलेक्शन मिल जाएंगे, कलेक्शन नहीं यहाँ पे भैया ऐसे नीचे लगाए हुए थे और 500 रुपीज़ में सेल कर रहे थे ये। अगर आप सरोजनी मार्केट से बूट ले रहे हो तो यहाँ पे एक शॉप है, आप वहाँ से जाके लो, वहाँ की क्वालिटी बहुत अच्छी है। मैं ज़रूर नेक्स्ट वीडियो में उस शॉप की क्लिप डालूँगी, आपको पूरे अच्छे से दिखाऊँगी, क्योंकि वहाँ के बूट के कलेक्शन बहुत ही अच्छे हैं। आपको यहाँ पे सिंगल डबल ब्लैंकेट मिल जाएंगे रुपीज़ 1000 एंड 2000 रुपीज़ के अंदर। यहाँ पे आपको समर्स के भी टी शर्ट्स देखने को मिलेंगे, 100 रुपीज़ की सेल लगी हुई थी। ये टर्टल नेक स्वेटर बहुत ही सॉफ्ट था, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट था, भैया इसको कोट कर रहे थे 200 रुपीज़। आगे चलते ही ना आपको डेनिम के खदान में आप एंट्री करने वाले हो। डेनिम, हाँ आप इस शॉप को डेनिम का खदान ही बोलो, यहाँ पे हर चीज़ डेनिम की है, हर चीज़ यहाँ पे आपको डेनिम की मिल जाएगी। आपको अगर डेनिम का कुछ चाहिए हो तो आप इस शॉप में चले जाओ और आप यहाँ पे देख सकते हो, हर चीज़ आपको यहाँ पे डेनिम की दिखेगी। हाँ आपको जीन्स में एक प्रॉब्लम आ सकती है साइज़ की, बट इनके पास इंची टेप रहता है, आप अच्छे से मेजर करो और उसके बाद लो, क्योंकि आखिरी में यहाँ पे साइज़ की ही दिक्कत होती है, बाकी तो आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छा डेनिम का कलेक्शन देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट हम आ चुके हैं गुफा वाली शॉप में। यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड रहते, एक अलग स्ट्रगल चलता है यहाँ पे एंट्री करने के लिए, क्योंकि जब मैं एंट्री कर रही थी यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड था, और यहाँ पे एक गुफा के अंदर बहुत सारे शॉपकीपर अपने अपने स्टॉल्स लेके बैठे हुए थे। ये जीन्स मुझे बहुत पसंद आया था, दोनों साइड से जिप आप देख रहे हो, बहुत स्टैंडर्ड और क्लासी लुक आ रहा था, बट प्रॉब्लम ये थी कि ये मेरे साइज़ का नहीं था, बट मुझे बहुत पसंद आया था। ये है गुफा का व्यू कुछ इस तरह से। अगर आप फर्स्ट टाइम सरोजनी मार्केट आ रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, अगर आप इस मार्केट में फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो अच्छे से मार्केट को एक्सप्लोर करें, बार्गेन स्किल्स अपनी अच्छी करें, और तीसरा एक बड़ा सा थैला लेके आए और कुछ छुट्टे पैसे लेके आए। इस मार्केट में बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है तो वाटर बॉटल लाना ना भूलें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें ज़रूर से ज़रूर।